लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, स्वागत है आपका वीकली न्यूज के नए एपिसोड में। दिवाली की मिठाइयां खत्म करने के बाद, इंडिया को फाइनल में पहुंचाने के बाद भाई हाजिर है खबरों के साथ, जहां आज हम बात करेंगे एनिमल के पोस्टपोन को लेकर, लेजेंड ऑफ हनुमान का सीजन 3 और SRK किसके साथ नई मूवी करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो का टारगेट होगा 10 लाइक और 5 कमेंट का, तो आई होप आप इसे जरूर से पूरा करवा दोगे। तो एक एक करके इन सबके ऊपर बात करना शुरू करेंगे। और सबसे पहले है Tiger 3 और सलमान खान के करियर की हाईएस्ट ओपनिंग मूवी बन गई। 43 करोड़ की ओपनिंग लेकर इसने टाइगर फ्रेंचाइजी और दबंग फ्रेंचाइजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही इस मूवी ने 183 करोड़ का बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन कर लिया है। टाइगर 3 पर बात करने से पहले ये चेकआउट करना, और जैसा मैंने बोला था, इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के कबीर का कैमियो देखने को मिल ही गया। तो भाई खबर पक्की लेकर आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है। साथ ही इस मूवी का क्रेज एक तरफ और कुछ क्रेजी पीपल एक तरफ, जिन्होंने इसके थिएटर में इसके चलते शो के दौरान दिवाली मनानी स्टार्ट कर दी और थिएटर में ही पटाखे फोड़ने चालू कर दिए, जिस पर रिएक्ट करते हुए सलमान खान ने लोगों से अपील की कि थिएटर में बम पटाखे ना जलाएं, दिवाली मनानी है तो अपने घर मनाएं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? फिर इसके बाद है सलार, जिसको IMAX स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। और इसको प्रमोट करते हुए इसके मेकर्स ने इसका ये न्यू पोस्टर रिलीज किया। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया था, इसका न्यू ट्रेलर हमें 1 दिसंबर 7:19 पर देखने को मिल जाएगा। तो उस पर रिएक्शन करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 1 दिसंबर से याद आया, अभी तक एनिमल का ट्रेलर 2 हमें देखने को नहीं मिला है। और ऐसा सुनने में आया इंटरनेट की खबरों के अनुसार कि एनिमल को दोबारा से पोस्टपोन किया जा सकता है। फिलहाल के लिए ये सिर्फ एक रूमर ही है और मैं चाहूंगा कि ये सिर्फ एक रूमर ही रहे, और इसको लेकर जो भी कंफर्मेशन अपडेट निकलकर सामने आती है उसे मैं कवर से जरूर करूंगा। क्या मतलब कि संदीप रेड्डी बांगा सर फोन पर गाली बक रहे हैं? अबे मैं थोड़ी फैला रहा हूँ यार रूमर। फिर इसके बाद है धनुष, जो कनेक्ट मीडिया की मेगा बजट मूवी में नजर आएंगे, जो अल्लई राजा की बायोपिक होगी, जिसकी फिल्मिंग अगले साल अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और इसको रिलीज किया जाएगा mid-2025 में। और ये सब तो ठीक है, 2 साल पहले इन्होंने इस मूवी को अनाउंस कर दिया तो साथ में इसकी रिलीज डेट भी बता देते, उसे क्यों अधूरा छोड़ दिया। साथ ही कुछ मूवीज के टीजर ट्रेलर पोस्टर हमारे सामने आए, जिसमें सबसे पहले द लेजेंड ऑफ हनुमान के तीसरे सीजन का टीजर आ चुका है, जो देखने में तो खूबसूरत लग रहा है। और जिन्होंने ये सीरीज देखी है वो जानते हैं कि इसके तीसरे सीजन का वेट कितना ज्यादा मुश्किल था, और जिन्होंने नहीं देखी तो जाकर देखो भाई, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद है हनुमान मूवी का ये न्यू पोस्टर, साथ में इसका एक सॉन्ग भी रिलीज कर दिया गया है, जो सुनने में तो चाइल्डिश सा लग रहा है, लेकिन मैं ये जरूर से देखना चाहूंगा कि मूवी को किस अप्रोच के साथ बनाया गया है। तो इस मूवी का मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, पहले इस मूवी को डिले कर दिया गया, लेकिन अब इस मूवी की कंफर्मेशन डेट आ चुकी है। ये मूवी अगले साल 12 जनवरी यानी संक्रांति पर रिलीज की जाएगी, और संक्रांति का रायता कितना ज्यादा फैल चुका है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इसके बाद है ईगल मूवी का ये न्यू पोस्टर, जिसमें रवि तेजा सर अपियर होंगे, और ये मूवी भी अगले साल संक्रांति के मौके पर ही रिलीज होगी। साथ ही अब रवि तेजा सर की बात हो ही रही है तो बता दूं, टाइगर नागेश्वर राव को OTT पर रिलीज कर दिया गया है, और जिन्होंने ये मूवी अभी तक नहीं देखी वो इसे OTT पर एंजॉय कर सकते हैं, और मैं चला इसके डाउनलोड का जुगाड़ करने। 5 minutes later। साथ ही मेरी क्रिसमस को भी डिले करते हुए उसके 2 न्यू पोस्टर हमारे सामने आए, साथ ही इसकी न्यू रिलीज डेट जो 15 जनवरी 2024 है। और अब दिसंबर का रायता, जनवरी में फैलेगा कैप्टन मिलर, हनुमान, ईगल, मेरी क्रिसमस, और इसके अलावा 5-6 मूवी अलग से रिलीज हो रही है। लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप कौन सी मूवी पहले देखना पसंद करोगे। इतनी सारी मूवीज जब एक साथ रिलीज होती है तो डाउनलोड करने वालों के चांदी हो जाती है। अपने अगली खबर महेश बाबू और श्रीला को लेकर है, ये दोनों एक साथ लुंगी डांस सॉन्ग में फीचर होंगे, जो पोटेंशियली दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगा। अब ये सॉन्ग हनी सिंह वाले लुंगी डांस का कोई नया वर्जन होगा या फिर ये बिल्कुल ओरिजिनल सॉन्ग होगा, फिलहाल इसकी तो कोई कंफर्मेशन है नहीं। हिंदी लास्ट है SRK, जो अपनी बेटी सुहाना खान के साथ काम कर सकते हैं, जिसको उन्हीं की कंपनी रेड चिली सिद्धार्थ आनंद की मार्फ्लिक्स पिक्चर के साथ मिलकर बनाएंगे, जिसको सुजोय घोष डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसको लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बढ़िया, ये घर का पैसा घर की कंपनी में लगाकर अपनी बेटी को लॉन्च कर दो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। साथ ही SRK रणवीर सिंह के साथ करण जौहर की नेक्स्ट मूवी में काम कर सकते हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये मूवी करण जौहर की ऐसी मूवी होगी जिसको करण जौहर ने आज तक नहीं बनाया।
नहीं वो वाली मूवी नहीं, एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन दोनों स्टार्स को एक साथ काम करते देखना मैं जरूर से पसंद करूंगा, और करण जौहर बनाएंगे तो क्वालिटी में तो कोई फर्क आएगा नहीं। तो ये थी इस हफ्ते की वो सारी खबरें जो मेरे हाथ लगी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप कौन सी मूवी को लेकर कौन सी खबर को सुनकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है वो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब, खैर मैं क्या ही बोल रहा हूँ, करना तो आपको है नहीं, लेकिन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा पिछले हफ्ते का न्यूज सेशन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।